केंद्र में सरकार बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा था कि वो अपने देश को स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ भारत का दर्जा दिलाएंगे, जिसके तहत हर घरों में एक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। हम आपको देवरिया जनपद की दो तस्वीरें दिखाएंगे, जहां एक गांव में आज हर घर में शौचालय बन चुका है, तो वहीं दूसरे गाँव में जमकर शौचालय बनाने के नाम पर घटिया निर्माण कराया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के भटनी ब्लॉक अघौला गांव की, जहां आज हर घर में शौचालय बन चुका है। ग्रामीण अपने ग्राम प्रधान की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उनका कहना है कि पहले हमें सड़कों या खेतों में जाना पड़ता था, लेकिन अब यह समस्या दूर हो चुकी है। वहीं सरकार के मंशा पर बोलते हुए ग्रामीण ने कहा कि सरकार का सपना अब सच हो रहा है, मेरी सरकार से बस यही विनती है कि अगर हर शौचालय के पास एक नल भी लगवा दिया जाता तो गंदगी साफ करने में हमें किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं होती और हमारा शौचालय भी साफ रहता। वहीं जब इस बारे में ग्राम प्रधान से बात की गई तो उनका कहना, हमारे गाँव में सिर्फ 18 शौचालय बचे हुए हैं जो बन रहे हैं, जल्द ही वो भी 2 अक्टूबर तक पूरे कर लिए जाएंगे। हमारा गांव ODF मुक्त है, हमारे गांव का कोई भी अब खुले में शौच करने नहीं जा रहा है। हमारे गांव में पूरा शौचालय बन गया है, 18 शौचालय बाकी है, बन रहा है, अभी काम चालू है और पूरा शौचालय बनाकर हमने फोटो भी भिजवा दिया है उसको। तो क्या आपको मतलब 2 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा? हमारा 2 अक्टूबर पूरा हो जाएगा। कितने ODF हो जाएगा? हमारे 131 शौचालय बन चुका है, 28 बाकी है, 28 बाकी, अभी बन रहा है, काम चालू, अब 16 बन चुका है और 5-7 तो बनना बाकी है। लोग खुले में शौच नहीं जा रहे हैं हमारे गांव के लोग सब लोग शौचालय में जा रहे हैं। हमारा बन गया, प्रधान बनवा दिया है। तो आप लोग कहाँ जाते हैं? शौचालय में जाते हैं। पैसा भी लगा आपका? अति पैसा नहीं खेला गया, पैसा नहीं लगा। नहीं, कितना मिला सर? 12,000। शौचालय संतुष्ट है, बढ़िया बना है? हाँ। अघैला ग्राम पंचायत में शौचालय जो है लाभार्थियों द्वारा बनाया जा रहा है, मानक में बनाया जा रहा है और बहुत अच्छे बनाया है, उसमें प्रधान की विशेष भूमिका रही है, बहुत अच्छा काम किया है। हम यह लखनऊ में जो है इन ग्राम पंचायत जो ने जो गांव पंचायतों ने बहुत अच्छा काम किया है, उनको जो है प्रशंसा पत्र और सम्मानित किया जाएगा। सरोदा में शौचालय अच्छे नहीं बने हैं, मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है और उसमें संबंधित कर्मचारी के खिलाफ जो है नोटिस जारी गई है और कार्रवाई आगे की जाएगी, उसकी जांच कराई जाएगी। शौचालय कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 2 अक्टूबर तक प्रयास है, जो अभी इनकम्प्लीट है उनको प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी 2 अक्टूबर के पहले पूर्ण हो जाए। हमें पूरा विश्वास है कि 2 अक्टूबर तक हम ODF पूरे जिले को कर देंगे। जो बचे हैं वही बन रहे हैं, उनके निर्माण चल रहा है तेजी से और 2 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। आइए अब हम आपको दिखाते हैं दूसरी तस्वीर सदर ब्लॉक के ग्राम सरौरा की, जहां केंद्र और प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना का जमकर खिलवाड़ किया जा रहा है। इस गांव में पूरी तरह से घटिया मटेरियल के साथ ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। आने वाले चंद दिनों में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े ये शौचालय हवा के एक मजबूत झोंके से अपने आप ही गिर पड़ेंगे, जिसे कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। ग्रामीणों की माने तो उनका कहना है कि ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी की मिलीभगत से इन शौचालयों का निर्माण कराने का ठेका किसी प्राइवेट ठेकेदार को दे दिया गया है, जो घटिया मटेरियल का इस्तेमाल कर हम लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है और अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। वहीं इस मामले पर जब हमने जिला पंचायत राज अधिकारी से उनका पक्ष जानना चाहा तो उनका कहना था कि अघौला ग्राम पंचायत में जो शौचालय का निर्माण किया गया वह मानक में बनाए गए हैं और बहुत अच्छे बनाए गए हैं, इसमें ग्राम प्रधान की विशेष भूमिका रही है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लखनऊ में जिन ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान ने अच्छा काम किया है उन्हें प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं ग्राम सरौरा में घटिया निर्माण पर कहा कि मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है जिसमें शौचालय का निर्माण सही नहीं हुआ है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। जहां अभी शौचालय नहीं बन पाए हैं उन्हें 2 अक्टूबर तक किसी भी हाल में पूरा कर लिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि शासन की ये मंशा है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर गांव में 2 अक्टूबर तक हर घर में शौचालय बन जाए, लेकिन कुछ अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए ग्राम प्रधान अपने गांव को ODF मुक्त कराने में जी जान से जुटे हुए हैं, तो कुछ पैसों की भूख के कारण ग्रामीणों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं।
ऐसे में इन पैसे के भूखों पर सरकार क्या कार्रवाई करती है, ये एक बड़ा सवाल है। गांव में जो शौचालय जो बनाए जा रहे हैं, दो गड्ढे और एक शौचालय है, ये मिट्टी वाला बालू से और सेम ईटा से बनाए जा रहे हैं। उसके बाद से जो इसका बन रहा है उसी से मजदूरी भी कराए जा रहे हैं, प्रधान और ठेकेदार द्वारा ये बनवाए जा रहे हैं, जो कि कभी भी एक आदमी धक्का दे या गाय भैंस लड़ते हुए पहुंचे तो आदमी शौचालय में बैठा रहे, वह उसी में दब करके मर जाए। इसकी शिकायत मैंने जिलाधिकारी को भी किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर सोमवार को मैं जाऊंगा, जिलाधिकारी को ज्ञापन दूंगा, अगर जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, फिर इसको उजाड़ करके नए सिरे से नहीं बनाए जाते हैं, तो फिर इसके लिए धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा और चक्का जाम किया जाएगा। प्रधान इसके बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है। सेक्रेटरी के पास मैंने फोन किया तो सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि ऐसे ही बनेगा। वीडियो के पास फोन किए तो वीडियो साहब बोल रहे हैं कि जो लाभार्थी खुद बनवाएं, लेकिन ग्राम सभा में कभी भी वीडियो या सेक्रेटरी जो कि कभी प्रस्ताव नहीं किए कि लाभार्थी खुद बनवा सकता है, इसके लिए 12,000 रुपया दिया जाए। सेक्रेटरी जो है कि हमको बोल रहे हैं कि मैं आपको 7,000 दे रहा हूँ, 6,000 5,000 में बन रहा है, तो आपको 7,000 दे रहा हूँ, 7,000 में आप ठेका लेकर के बनवाइए।